ये बताओ बाबू, अरे 8.2 में किसी को डाउट है? प्रिंस बाबू, फर्स्ट का सेकंड थर्ड नंबर ना, देखो यहाँ विजिबल है क्या? ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड, देखो ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है। कॉस 45 डिग्री यही ना है, अपॉन सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक, कोसेक ना है, कोसेक 30 डिग्री। चलो बताओ बच्चों, कॉस 45 का वैल्यू कितना होता है? कॉस 45 का कितना होता है वैल्यू? 1/√2। ये पूरे में बाय है। सेक 30 का वैल्यू कितना होता है? 2/√3। गलत नहीं बताना रे घोचा। देखो कोसेक 30 का बोलो, कोई दिक्कत? अब करना है कैलकुलेट, इसके नीचे कितना है? 1। तो वो जो ऊपर में लिखा हुआ है इसको चुपचाप एज इट इज लिख दो, अब विजिबल है ना। अब इसका अगर हम एलसीएम लें दोनों का कितना आएगा? √3 क्रॉस कर देंगे तो 2+√3 बोला है ना। एक स्टेप और नीचे लिखते हैं, 1/√2 बोलो, इधर करते हैं, आ गया 1/√2। अच्छा अपॉन करने का क्या जरूरत है, इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं और मल्टीप्लाई कर देते हैं, बोलो हाँ है ना। √3 कहाँ चला जाएगा भाई? ऊपर चला जाएगा बोलो, और ये वाला कहाँ आएगा? 2+√3। कोई दिक्कत? अब मल्टीप्लाई कर देना, बोलो हाँ है ना, कर दो। √3 अपॉन, इसको भी मल्टीप्लाई कर दे, कितना हो जाएगा? 2√2+√6। कोई दिक्कत है अब? कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलो अब आप लोग एक टर्म सुने हुए रेशनलाइज, बोलो हाँ है ना। रेशनलाइज, जब भी रूट नीचे आता है तो उसको रेशनलाइज करके हटाते हैं, बोलो हाँ है ना। अब हम लोग 9 क्लास का कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं, √3/√2+√2√6 मल्टीप्लाई 2 √6। सेम चीज यहाँ भी लिखेंगे, बोलो बच्चों कोई दिक्कत है क्या? देखो रेशनलाइज में हम लोग क्या करते हैं, साइन को हम लोग चेंज कर देते हैं, बोलो हाँ है ना। साइन को चेंज कर देते हैं, सेम नंबर को ऊपर नीचे से मल्टीप्लाई कर देते हैं और डिवाइड भी करते हैं ताकि ये दोनों कैंसिल होकर के सेम आए, बोलो हाँ है ना। कूलर वन चूहा मर गया का रे मार रहा है। देखो यहाँ देखो, इसको इसको सॉल्व कर देंगे, सॉल्व कर दें इसको अंदर, ए बंद करो कूलर है, खोल के देखना पड़ेगा। देखो इसको इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा बच्चों बताइए? तो 2√6 माइनस है तो माइनस 18। कोई दिक्कत है? नो सर। ओके, यहां पर भी लगेगा एक रूल, बोला है ना, a+b a-b, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? देखो वेरी गुड, तो यहाँ पर जाएगा 2√2 का स्क्वायर माइनस 2√6 का स्क्वायर। राम बाबू समझ में आया यहाँ तक? पंडित जी चलिए एक और स्टेप लिखते हैं, अभी कॉमन नहीं लेते, कॉमन भी आ जाएगा है ना। 2√6 माइनस 2√18 अपॉन, अगर हम इसको सॉल्व करें तो यहाँ पर कितना आ जाएगा बच्चों? 8, बोला है ना। इसमें कितना आ जाएगा? 24। बोलो कोई दिक्कत है? आप नहीं सुधरोगे, छुट्टी के टाइम में आप क्लास आ रहे हो गधा, आओ सॉल्व करो इसको। देखिए सेम रखते हैं ऊपर में, सेम कोई चेंजिंग नहीं करते हैं, माइनस 2√ कितना हो जाएगा बच्चों? 18 अपॉन, इसको घटाओ यार कितना आएगा? माइनस 16। तो -16 यहां पर है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, दो चीज है, एक ही चीज है बेसिकली, इस माइनस को ऊपर कर दो या फिर पूरे को ऊपर में भी माइनस से मल्टीप्लाई करो, नीचे भी मल्टीप्लाई करो, तो माइनस माइनस प्लस, अब ये क्या हो जाएगा? पूरा माइनस हो जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, बोलो हाँ ना। ये बात समझ में आया? हाँ। अब सॉल्व कर देते हैं इसको, कितना आ जाएगा? 2√18 माइनस 2√6, बोलो यहां तक किसी को डाउट है? 16 का 16। अब हमें कुछ दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है बच्चों? कॉमन, बोलो हाँ ना। इन दोनों को कॉमन अगर हम ले आए प्यार से
तो अंदर में क्या बचेगा, रूट 18 माइनस रूट 6 अपॉन यहाँ पर कितना आएगा 6। इसको अगर सॉल्व कर देंगे कितना आएगा 8। अब सवाल ये उठता है कि देखो ये वाला आंसर है या नहीं, अगर ये आंसर नहीं होगा तो नीचे लास्ट में 8 है, एनसीईआरटी में देखो 8 है। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा, यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 3√2 माइनस रूट 6 अपॉन 8, बोला है ना आंसर है ये वाला। चलिए मतलब 18 को तोड़ के बार कर दिए, देखो 18 को कैसे लिखेंगे, 9 मल्टीप्लाई 2 तो रूट 9 का कितना हो जाएगा 3, रूट तो इधर आ जाएगा, समझा कि नहीं। आ गया बच्चे, पिछला वाला बेच में भी ये वाला क्वेश्चन में फंसता है और ये VVI है, ठीक है, हाँ 2 मार्क्स के लिए VVI है, 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं हर बार, जितना भी बेच में पढ़ा है ये क्वेश्चन में फंसता है, हर बार फंसता है, क्यों पता है, रेशनलाइज नहीं करता हम लोग। एक चीज याद रखना, जब भी डिनोमिनेटर में अगर रूट का वैल्यू आ जाए, रूट रूट में कुछ लिखा आ जाए, उसको रेशनलाइज करके हटा दो, ठीक है। देखो